नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर हैं। खबर बिहार से, जहां पर सर्वदलीय बैठक कब होगी इसको लेकर के तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि 1 जून बुधवार के दिन संवाद भवन में तमाम दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है सर्वदलीय बैठक को लेकर के, और इस मीटिंग में जो है बात होगी जातिगत जनगणना को लेकर के, आम राय बनाने को लेकर के। बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव की अगुवाई में RJD और पूरा विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार से इस बात की मांग कर रहा था कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि किसी कीमत पर जातीय जनगणना का जो कॉलम है वो जोड़ा जाए जब भी जनगणना हो तब, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको लेकर के मना कर दिया। उसके बाद सरकार पर दबाव इस बात का आया कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है ये जातिगत जनगणना कराए और इसको जल्द से जल्द किया जाए। तेजस्वी यादव की ने इसको लेकर के जो है अल्टीमेटम तक दिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। उस मीटिंग के बाद जो है इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि आखिर वो तारीख कौन सी होगी जब ये पूरी मीटिंग होगी, तो अब तारीख सामने आ गई है। तारीख है 1 जून की, और उस दिन जो है शाम 4 बजे पूरी बैठक होगी, उसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बता दें कि विपक्ष लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि बिहार विधानसभा से 2-2 बार पारित होने के बावजूद भी बिहार में जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं हो रही है, ऐसे में इसको कराया जाए। सर, जाति का जनगणना को लेकर क्या कुछ आएगा सर? राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, अब ये तय हो गया है कि जाति आधारित जनगणना बिहार में राज्य सरकार के माध्यम से कराने पर विमर्श है। सर्वदलीय बैठक 1 जून को 4 बजे अपराह्न में 4 देशरत्न मार्ग स्थित संवाद कक्ष में होगी। सभी जानते हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि इस संबंध में शीघ्र ही सभी दलों से हम विमर्श करके एक तिथि निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार इस संबंध में। सीएम नीतीश कुमार भी इसको लेकर के जो है बड़ा एक्टिव नजर आते रहे हैं। कई बार उनका बयान सामने आ चुका, ये कह चुके हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला होगा, जैसे ही होगा उसके तुरंत बाद जो है सर्वदलीय बैठक के बाद जो है कैबिनेट की मीटिंग में इस पर प्रस्ताव जाएगा, और प्रस्ताव के तुरंत बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है जो जनगणना का काम है उसको शुरू किया जाएगा एक टाइम बाउंड या टाइम फ्रेम के अंदर में। तो ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि लगातार जो है बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने को लेकर के जो है सियासत चल रही थी, विपक्ष जो है BJP को घेर रहा था। सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश हो रही थी कि BJP जो है जाति के आधार पर जनगणना के खिलाफ है, लेकिन सुशील मोदी ने इसको लेकर के कहा कि उनके खिलाफ में या उनकी पार्टी के खिलाफ में जो है भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। BJP अगर राज्य सरकार अपने बूते जो है ये पूरा जनगणना कराना चाहती है जाति के आधार पर, तो राज्य सरकार के इस कदम पर BJP साथ है और BJP को कहीं से कोई ऐतराज या दिक्कत नहीं है। तो बिहार में लगातार चल रही सियासत के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 1 जून को जो है जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय जो है वो बुला ली गई है। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मिलने के बाद ये कहा था कि बहुत जल्द मीटिंग होगी, लेकिन अब मीटिंग, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लंदन में है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो गई है आज से, तो इन तमाम चीज़ों के बीच में सीएम नीतीश कुमार ने 1 जून को जो है इसको लेकर के ऐलान कर दिया है। और इसी से जो है एक तरीके से कहें कि BJP के अंदर बेचैनी भी है, क्योंकि BJP जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लगातार जातिगत जनगणना के मामले पर साथ आने या फिर उनकी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने को लेकर के जो है वो बेचैन भी नज़र आती रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।